नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। आप देख सकते हैं संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है, जो कि ये खबर है, ये इनके नियमितीकरण को लेकर है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, केवल इस विभाग के 1000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस विभाग के संविदा कर्मियों को नियमित करने जा रही है सरकार, और इस विभाग के संविदा कर्मियों ने ऐसा क्या किया कि सरकार ने इनकी बात मान ली। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूँ, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं, बिजली बोर्ड में नियमित होंगे 1000 संविदा कर्मचारी, निगम ने मांगे आवेदन। जी हाँ दोस्तों, अधिसूचना से 10 साल पूरे कर चुके अनियमित कर्मी होंगे नियमित। ये झारखंड की ये खबर है। तो झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सूचना जारी की गई है। ऐसे में लगभग 1000 अनियमित कर्मचारी है इस आदेश के बाद नियमित होंगे। इसे लेकर पावर वर्कर यूनियन लगातार आंदोलनरत रहा है, जिसकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण भी शामिल रहा है। बीते दिनों में निगम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। ऐसा करने से झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अंतर्गत आने वाले अन्य बिजली कंपनियों में संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, जिसमें झारखंड बिजली वितरण निगम, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम शामिल है। क्या है अधिसूचना, मैं आपको बता दूं कि जारी अधिसूचना के मुताबिक नियमित नियुक्ति के 10 साल पूरे कर चुके कर्मियों के नियमितीकरण करने की बात की गई है। सूचना उप प्रबंधक राजेश पांडे की ओर से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि निगम मुख्यालय में अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ऐसे में 20 जून 2019 तक लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मियों के नियमितीकरण किया जाएगा। इससे संबंधित निगमों की अधिसूचना 2 सितंबर 2016, 17 नवंबर 2016 और 15 जुलाई 2022 को जारी की गई है। अब मैं आपको बता दूं, 2016 की नियमावली के तहत होगा नियमितीकरण। अधिसूचना सेवा नियमितीकरण नियमावली 2016 के प्रावधान के तहत कर्मियों को नियमित किया जाएगा। ऐसे में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की ओर से जारी फॉर्म कार्यरत कर्मियों को 26 अगस्त 2022 तक निगम कार्यालय में जमा कराना होगा। मैं आपको बता दूँ, इन्होंने एक फॉर्म जारी किया है, जितने भी वहाँ के संविदा कर्मी हैं और जो 10 साल से अधिक जिनको काम करते हुए हो गया है, उन्होंने फॉर्म जारी कर दिया है। इस फॉर्म को भरकर आपको, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उसमें आपको जमा कराना होगा, तभी आपको नियमित किया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको अन्य किसी भी राज्य से अगर खबर चाहिए तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके सामने उसी राज्य की आपके कमेंट के अनुसार खबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।